आज दुनिया के अंदर साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है, एलर्जी की जो प्रॉब्लम है, आज सबसे ज़्यादा महामारी है एलर्जी। शायद जहाँ तक मुझे पता चला है 1300 तरह की एलर्जियों का अभी तक रिसर्च हो चुका है। 1300 तरह की एलर्जी होती है और मेडिसिन के लिए वो जब तक एलर्जी किस चीज़ के ढूंढते ढूंढाते, जब आपको वो सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसकी कोई औषधि भी नहीं होती है। बहुत भयानक फिर एंटीबायोटिक दिया जाता है, बहुत भयानक हैवी डोज दिया जाता है। और एलर्जी की दवाई की वजह से ही बहुत सारी जो बीमारियां हैं, एलर्जी क्या है, शरीर के जो टॉक्सिक हैं वो बाहर निकलते हैं, उसको आप यदि ज़बरदस्ती दबाते हैं तो दूसरी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। यदि आप नस्य का पालन करते हैं, नस्य सरल है, छोटे छोटे बच्चों को आप करा सकते हैं, आप स्वयं डाल सकते हैं। शुद्ध सरसों का तेल आप चार चार बूंद नाक में टपका लें, या जो एलमंड ऑयल है, बादाम रोगन है, उसको आप नाक में डाल सकते हैं। सरसों का तेल आप नाक में डाल सकते हैं, चार चार बूंद यदि आप नाक में डालते हैं तो साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी, उससे किसी भी तरह के इस तरह की जो आपको कहते हैं ना कि जी थोड़ी सी धूल में निकल जाते हैं तो सहन नहीं होता है, थोड़ी सी धुएँ से जो है आप परेशान हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो जैसे धूल वगैरह देख करके देश में ना इंडिया में फैलते हैं, वहाँ बहुत गंध है, बहुत धूल है। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने उस धूल को भी सहन करने की शक्ति का विधान किया था। हमारे यहाँ नेति की जो क्रियाएं हैं उससे भी साइनस की या पॉलिप्स बड़े होते हैं, पॉलिप्स के लिए भी यह बहुत बड़ी उत्तम विधाएं हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और हम इसी की बात करते हैं कि नाक में दवाई डालने से, सिर्फ नस्य लेने से आपके बाल काले रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बोले जी इनको काले करने के उपाय बताओ। नस्य करने से बाल काले रहते हैं, नस्य लेने से आंखों की रोशनी ठीक रहती है, नस्य लेने से आपके कान ठीक रहते हैं। यह विधा हमारे ऋषियों के पता था, आज तक भी वह दुनिया को नहीं पता है। तो ये सहज रूप से प्राप्त अमृत का आप व्यवहार में लाइए, 3-2 मिनट का काम है, इसको करिए और जिंदगी को सुखमय बनाइए।